हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास बैंक अकाउंट है। सही सुना, उन सभी के लिए है जिनके पास बैंक अकाउंट है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका कोई भी अकाउंट है उसमें कुछ भी पैसे पड़े हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर कितना है, और अगर आपके बैंक के साथ अगर PMC जैसे बैंक की कोई दुर्घटना घट जाए तो क्या होगा। आज मैं और पुष्कर इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका अकाउंट किसी बैंक में है तो आपकी सेविंग अकाउंट, आपका FD, आपका रेकरिंग अकाउंट, जो भी पैसे जा रहे हैं वो कितने पैसे सिक्योर्ड हैं। उसके एग्जांपल भी हम बात करेंगे कि अगर आपके पैसे हैं तो किस तरह से क्या है। वो ये भी बात करेंगे कि अगर आपकी एक ही बैंक के मल्टीपल ब्रांच हैं उसमें पैसे हैं तो क्या होगा। ये भी बात करेंगे कि अगर आपके 5 बैंक में 5 अकाउंट चल रहे हैं तो उसके रिस्क फैक्टर क्या है। तो पुष्कर, सबसे पहले हम बात करें, हर के पास सेविंग अकाउंट है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, तो सेविंग अकाउंट सिक्योर है या नहीं है, पहली चीज। अगर है तो कितना है और किसके थ्रू है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी एज पर द इंडियन गवर्नमेंट रूल जो कि बनी थी आज से तकरीबन 25 ईयर्स हो गए, 30 ईयर्स होने वाले हैं इस पे, तो जिसको अभी RBI की एक पैरेलल बॉडी है जिसको कहते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बेसिकली ये क्या है कि RBI की ही एक सब्सिडियरी है जो कि हर कस्टमर को जिनका भी बैंक अकाउंट है एक पर्टिकुलर बैंक में 1 लाख रुपीज का उनको सेफगार्ड करती है। सेफगार्ड करती है मतलब एज अ इंश्योर्ड अमाउंट देती है, मतलब पर बैंक सर। मतलब कहने का मतलब है कि DICGC, यही है ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। यस सर, ये SBI का, ये RBI की एक सब्सिडियरी है जो होली ओन्ड है। yes, तो देखिये, बात समझिए कि अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, कहीं भी ओपन है, वो इसी इंश्योरेंस के तहत यानी इसी कंपनी के तहत आपका सिक्योर्ड है और आपको जो मैक्सिमम अमाउंट अभी मिल सकता है एज पर द करेंट रूल इज 1 लाख पर बैंक या पर कंपनी जहां आपका डिपॉजिट फंसा हुआ है। कहने का मतलब, पहले समझिए कि मैं इस पे थोड़ा बाद आऊंगा, पहले ये समझें कि अब क्या है कि पहले कौन कौन से बैंक कवर है, उसमें क्या है। सर, बैंकों की जहां तक बात है तो इंडिया में जितने भी बैंक है, सबसे पहले गवर्नमेंट बैंक जिसको हम लोग PSBs बोलते हैं, दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक, तीसरा कोऑपरेटिव बैंक, चौथा स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यानी मोटा मोटी सब कवर है, सब जो RBI रेगुलेटेड है, जो गवर्नमेंट। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आपका मतलब जो भी बैंक ऑनर है या जो भी बैंक है उनको बाय डिफॉल्ट डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। yes, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको होना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि एक बात बताइए, मेरा अकाउंट है, मेरी सेविंग अकाउंट भी है, मेरे कुछ FDs भी कुछ पड़े हुए हैं, मेरा रिकरिंग अकाउंट भी चल रहा है। अब मुझे जो सिक्योरिटी है वो मेरे सेविंग अकाउंट पे होगी या टोटल पे होगी। सर देखिए, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, जैसे मेरा सपोज एक बैंक में चार डिफरेंट मैंने स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रखा, पहला सेविंग अकाउंट, दूसरा उसी बैंक में मेरा करंट अकाउंट है, तीसरा आपने जो बोला FD और चौथा RD, मतलब मैं एक ही बैंक में मल्टीपल सर्विसेज ले रहा हूं, जैसे कि PMC बैंक में हुआ है लोगों ने। yes, बहुत तरह के yes, yes. तो सर उसमें जो टोटल क्यूमुलेटिव अमाउंट होता है, सपोज अगर वो हमारा 1,30,000 हो रहा है, एक एग्जांपल देता हूं, तो हमें जो बैंक से अश्योर्ड अमाउंट मिलेगा इज 1 लाख पर बैंक अंडर दिस स्कीम। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके अकाउंट में कुछ भी पैसे पड़े हैं, मुझे उसे कोई मतलब नहीं है, मैं उसमें जा भी नहीं रहा हूँ, और आपकी जो गारंटी है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं किसी बैंक और किसी पार्टिकुलर बैंक पे कोई ना कमेंट करो ना नाम ले रहा हूँ, यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से मैक्सिमम गारंटी है वो 1 लाख रुपए ही अभी तक, मुझे कल का नहीं पता क्या अमेंडमेंट आती है नहीं आती है, लेकिन अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट है और उसके साथ आपके सेविंग करेंट जैसा पुष्कर ने बताया अगर लिंक है तो 1 लाख रुपये से ज़्यादा का कवरेज नहीं है। डेफिनेटली आप बहुत क्लियर समझ ले, ये ना सोचे। और मैं इसमें एक एग्जांपल भी दूं, जैसा कि पुष्कर ने बताया कि लेट्स जो मेरा एक बैंक है, एक्स बैंक है, उसके 4 ब्रांचेज हैं और चारों ब्रांचेज में मेरे अकाउंट हैं, जो इन्होंने एग्जांपल में कोट किया, मैं उसको और थोड़ा विस्तार में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और चारों अकाउंट में 50,000 रुपये थे, यानी कहने का मतलब कि चारों ब्रांच मिला के मेरे 2 लाख रुपये हो गए। लेकिन जो अगर उस बैंक के साथ कोई दुर्घटना, भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि किसी के भी जो पैसे होते हैं बहुत हार्ड अर्न मनी होती है जी, लेकिन अगर कोई तरह की घटना हो जाती है जैसा कि PMC बैंक में हुआ है, तो टेक्निकली मैं पूरे मतलब जो कहें कि समझदारी और पढ़ने के बाद, बहुत R&D करने के बाद ये क्लियर बता रहा हूँ
जो गारंटी हो 1 लाख की, 1 लाख की है। और इसमें एक चीज़ और है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस जो पार्लियामेंट्री सेशन स्टार्ट हुई है 2019 विंटर सेशन में, प्लानिंग है कि गवर्नमेंट में अमेंड दिस बिल, दिस अमाउंट में इंक्रीज। अभी वो अमाउंट पे हमारी तात पड़ता नहीं है कि हम उस पे अमाउंट सही बात डालें, बिकॉज इट इज अ बिग थिंग, बट इसकी जो मैक्सिमम अमाउंट है वो डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं हमारे यूजर्स और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। अब मैं इसमें एक चीज़ और, क्योंकि एक यूज़र ने हमें मेल डाला था, उसमें पूछा था कि मेरे कुछ पैसे पड़े हुए हैं, अब दूसरा एक एंगल में लेता हूँ, और पैसे तो जो थे मेरा इंटरेस्ट भी बहुत एक्यूमुलेट होकर रखा हो पड़ा जी। मैं उसको भी क्लियर कर दूँ कि देखिए आपके पास क्या है नहीं है, मैं उस लॉजिक में नहीं जा रहा हूँ। मिलेंगे 1 लाख जी, बस मैं क्लियर समझा रहा हूँ, नेट अमाउंट पेएबल इज 1 लाख, चाहे वो प्रिंसिपल हो या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एडजस्टेड हो या मल्टीपल अकाउंट है। डेफिनेटली हमारे पास 4 क्वेश्चन आए, तो मैं उस सारे क्वेश्चन को अब दोबारा ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन था कि मैं और मेरी वाइफ के अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट है, उस अकाउंट में लेट्स अज्यूम 5 लाख रुपए पड़े हैं, तो क्या मुझे अब फिर 1 लाख मिलेगा या 2 लाख मिलेगा? डेफिनेटली 1 लाख मिलेगा, बहुत क्लियर 1 लाख ही मिलेगा, कहीं उसमें कोई आपके पास चॉइस नहीं है। उसमें दूसरी चीज एक और है सर, कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 99,000 ही हो रहे हैं सारा कुछ मिला के, तो आपको 1 लाख नहीं मिलेगा, आपको 99,000 ही मिलेगा। अगर कम है तो कम मिलेगा, विच एवर इज लोअर इक्विवेलेंट टू 1 लाख। अब मेरे अकाउंट में 10,000, आप ये ना सोचे कि आपको 1 लाख मिल जाएगा। कई तरह का कोई यूजर्स को ये भी कंफ्यूजन, हमारे कैमरा मन ही अभी पूछ रहे थे जो हमारे साथ है, वो कह रहे कि सर अगर 10,000 होगा तो मुझे 1 लाख मिलेगा। नहीं, ये नॉर्मल इंश्योरेंस की तरह नहीं है, कि जैसे नॉर्मल इंश्योरेंस में है कि किसी पर्सन का इमरजेंसी में डेथ हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको एश्योर्ड अमाउंट ज्यादा मिलता है, बट इस केस में एश्योर्ड अमाउंट की कैपिंग की गई है, सो इट इज 1 लाख। यस सर। अब चलिए एक और चीज की, अगर आपके मल्टीपल बैंक हो तब उस केस में जो सिनेरियो है चेंज कर जाता है, लेकिन देखिए इंडिया ऐसी कंट्री नहीं कि सारे बैंक एक बार में बैंक करप्ट हो जाए या डूब जाए, ये बहुत रेयर टू रेयरस्ट केसेस हैं जो पीएमसी के साथ। बट लोगों को समझना जरूरी है क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग एजुकेशनल टूल है, ये आपको समझना जरूरी है। तो अगर आपके मल्टीपल अकाउंट मल्टीपल बैंक में है तो जो सिक्योरिटी है यानी जो इंश्योरेंस है वो 1 लाख पर बैंक है, यानी ये भी क्लियर कर ले कि डिफरेंट बैंक के साथ डिफरेंट। तो अब आपके पास हो सकता है एक्स बैंक में था, वाई बैंक में था और जेड बैंक में था, लेट्स अस्सुम तीनों डूब जाते हैं, उस केस में जो मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है वो 3 लाख होंगे इरिस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट। तो इसका मतलब ये है हिमांशु सर कि जो होशियार लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, कहीं ना कहीं हम उनको एक शॉर्ट में मैसेज दे रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कि हमारा हमारा हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो चांस की बात है। ये एक इनडायरेक्ट एक इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है हमारी, बट ये एक इनडायरेक्ट, जनता जनार्दन खुद होशियार है तो वो खुद समझती है। ये इस तरह की हम उम्मीद भी नहीं करते, क्योंकि अगर बैंक हमारे देश में फेल होने लगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पे भी। आप पीएमसी के ही देखिए कि जो मैसेजिंग है वो अच्छा नहीं है, वो बहुत प्रॉब्लम वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत तरह की दिक्कत हो सकती है, तो जनरली ऐसा नहीं हो, भगवान ना करे कि किसी के साथ। अगर आप देखें तो पीएमसी बैंक में 11,000 करोड़ के करीब का प्रॉब्लम हो, डिपॉजिट अभी भी डिपॉजिट हुआ है। तो कहने का मतलब ये बहुत रेयर है बैंक के साथ, मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी इस तरह की कोई घटना होनी चाहिए। खैर एक चीज और समझ ले कि जो ये इंश्योरेंस गारंटी है ये आपको डायरेक्ट जाके, क्योंकि कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि सर ये तो इंश्योरेंस है, अगर इंश्योरेंस है तो मुझे तो डायरेक्ट मिल सकता है उस कंपनी से। देखिए इसमें इस तरह के कोई प्रोविजंस नहीं है कि आप डायरेक्ट DICGC के पास जाएंगे और वो आपको पैसा देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये पूरा प्रोसीजर के थ्रू ही होता है और इसमें बैंक के हिसाब से होता है। एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करूँ, जो चार्जेज अभी क्या है कि एक रीज़न जो बार बार आ रहा है कि इतना कम क्यों दिया गया, मैं उसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ पुष्कर, कि अभी के हिसाब से 0.70 पैसे के आसपास का पेमेंट जाता है जी, जो कि इंश्योरेंस के हिसाब से बहुत ही छोटा अमाउंट है। तो अगर जो आपने पहले बोला कि अगर रेट मतलब लिमिट बढ़ाने की बात है, तो इसका हो सकता है कि लोड आपके पॉकेट पे भी है। क्यों? क्योंकि उसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी जाएगा जी। ऐसा तो है नहीं कि आप इंश्योरेंस ले लेंगे 10 लाख का और अब प्रीमियम जाएगा 1 लाख का जी। हो सकता है उस केस में जो चार्जेज हैं वो कहीं ना कहीं वो कस्टमर को ही पे करना पड़ेगा जी। देखिए कोई सर्विस फ्री में तो आती नहीं है जी, जी। हमें लगता है कि ये सर्विस फ्री में आ रही है, लेकिन कोई चीज़ फ्री नहीं है, सब पैकेज में ही होता है और वो कहीं ना कहीं आपसे ले लिया जाता है। इसके अलावा पुष्कर कोई चीज़ और छूट तो नहीं रहा हमें जो कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए?
इसके अलावा यही है कि सेम इज इन द केस ऑफ इवन एनबीएफसीज आल्सो, सेटलमेंट माइट चेंज बट मुझे लगता है कि द प्रोसेस विल रिमेन सेम, कंपनी विल रिमेन सेम एंड एवरीथिंग इज अंडर गवर्नड बाय आरबीआई बिकॉज आरबीआई इज द हेड विच इज बीइंग डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आरबीआई के अंडर ही सबसे पहले बैंक्स आते हैं और एनबीएफसीज आती हैं. तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल भी ऑलरेडी अभी डिस्प्ले हम लोग कर रहे हैं साइड में कि आपको एक एग्जांपल भी दिख जाएगा कि वहां पे हमने कुछ क्वेश्चन लिए हुए थे और उसके हिसाब से हमने कुछ सिनारियों को भी डिफाइन करने की कोशिश की. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमने कोई ऐसा पॉइंट था जो वैलिड पॉइंट हो जो आपसे रिलेटेड हो या आपके जीवन में भी किसी तरह की उस प्रॉब्लम उस चीज़ की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उस तरह की कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं. हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर वो चीज़ आप तक पहुँचाएँ. डेफिनेटली सर. इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट से प्रॉब्लम हो या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड किसी तरह की दिक्कत हो तो आप पुष्कर हमारे उसके एक्सपर्ट हैं, ये मार्केट से ही डील करते हैं तो वो भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही पुष्कर जी. थैंक यू. और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो अपने दोस्तों और जो भी जानने वाले उनके साथ जरूर शेयर करें. तो आज के लिए इतना, बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू सो मच.